बॉलीवुड इंडस्ट्री में सनी देओल जैसा दमदार अभिनेता आज तक कभी नहीं आ पाया है। सनी देओल अपने शानदार फिल्मी सफर के दौरान एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं और इन सभी फिल्मों के बदौलत आज भी इनका वर्चस्व इंडस्ट्री में एक बड़े सुपरस्टार जैसे ही है। आज भले ही वो अभिनेता से नेता बन गए हैं और फिल्में बहुत ही कम दिखाई देते हैं, लेकिन आज भी उन्हें एक बड़े सुपरस्टार के तौर पर ही याद किया जाता है। सनी देओल की अगर बात करें तो अपने शानदार फिल्मी सफर के दौरान इन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं, साथ ही ये निजी जिंदगी को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियों में रहे हैं। सनी देओल के साथ कई सारे एक्ट्रेस व एक्ट्रेस का मनमुटाव चला है और उन्हीं में से एक है अक्षय कुमार। अक्षय कुमार और सनी देओल की बात करें तो ये दोनों सुपरस्टार एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं और इन दोनों के रिश्तों को लेकर कई सारे दिलचस्प किस्से व कहानियां मशहूर हैं। एक तरफ जहां सनी देओल अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत कर चुके हैं, वहीं दूसरी ओर अक्षय कुमार इंडस्ट्री में आने वाली फिल्मों को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियों में है। अभी हाल ही में अक्षय कुमार ने अपनी अपकमिंग फिल्म बच्चन पांडे का लुक शेयर रिलीज डेट बताई थी। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर कर लिखा था, उसका बस एक लुक ही काफी है। बच्चन पांडे रिलीज हो रही है 26 जनवरी 2022 को। फिलहाल फिल्म की शूटिंग जैसलमेर में चल रही है। सनी देओल और अक्षय कुमार की गिनती बॉलीवुड के एक्शन हीरोज में रही है। हालांकि अक्षय ने अब अपनी छवि बदल ली है और वो लगभग हर तरह के किरदार निभा रहे हैं। ट्विंकल खन्ना से शादी करने से पहले अक्षय का कई हीरोइनों के साथ नाम जुड़ा है, उन्हीं में से एक है रवीना टंडन। शायद कम ही लोग जानते होंगे कि रवीना टंडन के लिए तो अक्षय कुमार की सनी देओल के साथ लड़ाई तक हो गई थी। एक वक्त था जब अक्षय और रवीना के अफेयर के किस्से सुर्खियों में रहा करते थे। दोनों करीब 3 साल तक रिलेशनशिप में रहे। बाद में अक्षय ने रवीना से दूरी बना ली और शिल्पा शेट्टी को डेट करने लगे। अक्षय के इस रवैये से रवीना बुरी तरीके से टूट गई थी। इतने ही नहीं, वो डिप्रेशन में भी चली गई थी और इसी दौरान उन्होंने सनी देओल के साथ कुछ फिल्मों में काम किया। फिल्म जिद्दी की शूटिंग के दौरान दोनों करीब आ गए थे। फिल्म जिद्दी के सेट पर रवीना अक्षय की बातें बता सनी देओल के सामने रोने लगती थी और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रवीना टंडन के आंसू देख सनी देओल को इतना गुस्सा आया कि वह सीधे अक्षय कुमार के पास पहुंच गए और उनसे भिड़ गए थे। और यही वजह थी कि अक्षय सनी में आज भी बातचीत बंद है। दोनों केवल एक ही फिल्म जानी दुश्मन में साथ नजर आए। इसी दौरान बाद में रवीना के साथ सनी देओल के अफेयर की भी खबरें छपने लगी। कहा जाता है कि रवीना से नजदीकी के कारण ही डिम्पल कपाड़िया ने सनी देओल से दूरी बना ली थी। हालांकि रवीना के साथ सनी का किस्सा ज्यादा दिन तक नहीं चला और वो वापस डिम्पल के पास पहुंच गए थे। तो दोस्तों, ये था वो दिलचस्प किस्सा जहां पर अक्षय कुमार और सनी देओल के बीच में दरार आती है और ये दरार आज भी बरकरार है। अक्षय कुमार और सनी देओल अपने दौर के दोनों ही बड़े एक्शन हीरो के तौर पर जाने गए हैं, लेकिन जाने दुश्मन में एक साथ काम करने के बाद कभी भी इन दोनों सुपरस्टारों ने एक साथ फिल्म नहीं की। अब बात करें इन दोनों सुपरस्टारों के अगर वर्क फ्रंट की, तो सनी देओल जहां राजनीति में आने के बाद काफी ज्यादा लाइमलाइट बटोर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अक्षय कुमार की बात करें तो अक्षय कुमार अपनी अपकमिंग फिल्मों को लेकर काफी चर्चाओं में हैं। अक्षय कुमार की फिल्म बच्चन पांडे, अतरंगी रे, राम सेतु, रक्षाबंधन, वेल बॉटम, सूर्यवंशी और पृथ्वीराज जैसी फिल्में हैं और इन फिल्मों को लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं भी हैं। फिलहाल सनी देओल के पास किसी भी फिल्म का ऑफर नहीं है। दूसरी ओर रवीना एक लंबे समय के बाद KGF चैप्टर 2 में बॉलीवुड में दिखाई देने वाली हैं। तो दोस्तों, आपको ये दिलचस्प किस्सा कैसा लगा? कमेंट कर अपना सुझाव देना ना भूलें।